मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना या मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना, ये बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया एक स्कीम है जिसमें इंटर पास करने वाले बच्चियों को 25,000 रुपए दिए जाते हैं और सेकेंड डिवीजन करने वाले बच्चियों को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। तो इसका ऑनलाइन कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं और अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आया होगा जिसमें आपका आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा। इसी आईडी पासवर्ड से आपको अपना एप्लीकेशन को फाइनलाइज करना होता है। तो फाइनलाइज कैसे किया जाता है, इसी के बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी गूगल ब्राउजर को ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा मेधा सॉफ्ट और इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये फर्स्ट वाला लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप नीचे आएंगे या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना 2023 के लिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ इधर आएंगे या स्टूडेंट सेक्शन में आएंगे या लॉग इन फॉर स्टूडेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ अपना यूजर आईडी डालेंगे या पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, उसी को फिल करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। इन सबको आप बढ़िया से मैच कर लेंगे कि आपका डिटेल्स पूरा करेक्ट है या नहीं है, जिसमें आपका नाम रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका आधार नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका बैंक का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड और साथ ही अकाउंट नंबर भी रहेगा। इन सबको बढ़िया से रीचेक कर लेंगे, बढ़िया से देख लेंगे कि आपका बिल्कुल सब करेक्ट है या नहीं है। अगर लगता है कि आपको सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ आएंगे या फाइनलाइज एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, इन सबको आप चेक कर देंगे। चेकबुक्स में यहाँ आप टिक कर देंगे और नीचे आएंगे सबमिट योर एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन आएगा, क्या आपका यही नाम है, हाँ अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे। या आपका फादर का यही नाम है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे। इसी तरह पूरा का यस पे आंसर दे देंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप शादी नहीं किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको पूछ रहा है क्या आपका ये अकाउंट आप ही का है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे। क्या आपका ये आईएफएससी कोड है, यस पे क्लिक करेंगे। क्या आपका अकाउंट नंबर यही वाला है, इन सबको बढ़िया से देख लेंगे और इसी हिसाब से आप आंसर देते रहेंगे। अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, वरना नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। क्या आपका बैंक का नाम ये वाला है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे। क्या आपका मोबाइल नंबर ये है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे। क्या आपका ईमेल आईडी यही वाला है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको पूरा डिटेल्स को मैच कर लेना है। डिटेल्स को मैच करने के बाद यहाँ आएंगे या फाइनल सबमिट एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया होगा, वही ओटीपी को यहाँ फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि देखें हमने यहाँ अपना ओटीपी फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ आएंगे वेरीफाई ओटीपी एंड प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना है, आपका यहाँ एप्लीकेशन खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा। आपका प्रिंट आपके लिए तैयार है बिल्कुल, यहाँ प्रिंट करके अगर कस्टमर है तो उसको दे सकते हैं, अगर कस्टमर नहीं है तो इसको आप पीडीएफ में सेव करके अपने पास रख सकते हैं प्रूफ के लिए। यही आपको इसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहता है, इसको कहीं पर भी जमा नहीं करना है। उसके बाद आपको एक से डेढ़ महीना वेट करना है, आपके अकाउंट में पेमेंट ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। एप्लीकेशन को फाइनलाइज करने के बाद आपको कहीं पे भी अपना हार्ड कॉपी जमा नहीं करना है, ना जमा करने के बहाने किसी को घोष वगैरह देना है, बिल्कुल आप अपना वेट कीजिए, आपके अकाउंट में एक से डेढ़ महीने के अंदर आपका पेमेंट आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।